अत्रापि कर्णाम कर्तुरः स्वातन्त्र्यञ्च लक्ष्यते भोक्तुश्च दुःखसुखयोः कोन्वर्त्ते विवशं भजेत। कदे अत्रापि इस लोक में भी यदि मान लो शरीर में आ गया, संबंध हो गया तो क्या बिगड़ा? उद्धव कह सकता है महाराज तो बंधन की क्या मतलब, संसार संसार बड़े डराते हो, संसार फंस गया संसार तो क्या हो गया, संसार से डरना क्यों? यदि स्वतंत्र हम है, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, हम कभी दुष्कर्म करेंगे नहीं और अपने मर्जी से कभी दुख को भोगेंगे नहीं, तो यहाँ घर बैठे स्वर्ग हो गया ना। जब दुख ना भोगना पड़े और दुष्कर्म करना ना पड़े, वो स्वातंत्र यदि मिल जाए, फिर जीव में ब्रह्म ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह गया। तब सिद्धा भगवान कहते हैं वास्तव में जब तुम शरीर में कर्तृत्व तो स्वीकार कर लेते हो, उसी के साथ साथ तुम्हारा स्वतंत्रता भी खत्म हो जाता है, अस्वतंत्रता आ जाती है। इसीलिए ये मत समझो कि बंधन जो संसार है, शरीर संबंध, ये अच्छा है, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि अत्रापि कर्मणाम कर्तुः हो, कर्मों के जो कर्ता होता है शरीर में, उसके अंदर अस्वतंत्रञ्च लक्ष्यते, अस्वतंत्रता अस्वतंत्रता है वो सुस्पष्ट लक्षित हो रहा है। भोक्तुश्च दुःख सुखयोः अस्वातंत्र्यञ्च लक्ष्यते, ये देखने में कर्ता के पास कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, और भोक्तृत्व को लेकर के आप दुख सुख का भोग करने की स्वतंत्रता भी आपके पास नहीं है। कर्तु कर्णाम अस्वातंत्र्यम, भोक्तुश्च दुःख सुखयोः अस्वातंत्र्यञ्च लक्ष्यते, कौन वर्तो विवशम भजे। इसलिए बताओ भोग में परतंत्र है मनुष्य, लेकिन कर्तृत्व में तो स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता पुरुषार्थ की संकल्प करना स्वतंत्र है ना, लेकिन कर्म में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। अब इसे दुर्योधन की पाई कई बार बता चुके हैं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। उसकी चालक है वो, उसका जवाब ठीक नहीं है। नहीं, जवाब नहीं, सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। वास्तव में हमारे पूर्व जन्मों के, अनंत जन्मों की जो वासना बनी हुई है ना, वो हमारी स्वतंत्रता को कटौती कर देता है। आप यहीं पर देख लो कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोगों को मैं कितनी बार सुना चुका हूँ, कितने बार टाइट कर चुका हूँ, लेकिन कोई असर है? यह क्या चालाकी है बताओ, यह क्या चालाकी? राशन में लाइन लगाना छोड़ते नहीं, भंडारों की पर्ची के पीछे भागते हैं वो छोड़ते नहीं, हाँ बिना पर्ची के भागते हैं, है? ये सब कहाँ तुम्हारे अंदर बदलाव आ रहा है? इसीलिए वह चालाकी नहीं है, उसने सच्चाई को स्वीकार किया, मेरी वासना ऐसी है, चाहे जितना भी तुम मेरे को धर्मशास्त्र पढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अपने अंदर वासना ऐसी है। हमने एक चोर का दृष्टांत दिया था ना, एक ब्राह्मण था, मंत्री था राजा के यहाँ, बहुत पहले दृष्टांत दिया इस बात को हमने, भूसा चोर की कहानी याद है ना, भूसा चोर। उसको बाप को पता चल गया, ज्योतिषी भी था, बाप को पता लग गया कि मेरा बेटा चोर बनेगा, और उसने उसे पहले से चारों दीवार 15 फुट का बना दिया, दीवारों को 15 फुट ऊंचा कर दिया, और उसे गुरुकुल नहीं भेजा, और घर में स्वयं पढ़ाया लिखाया, और उसको दुनिया का कोई वस्तु जो उसको लुभाने वाला हो ऐसे का दर्शन ही नहीं करने दिया, अवसर ही नहीं, और पूरी दंड शास्त्र पढ़ा दिया, अमुक चीज का चोरी करेगा ये फल मिलेगा, अमुक का चोरी करेगा ये फल मिलेगा, पूरा पढ़ा दिया। एन वासना है ना, मौका मिला बड़ा, राजा ने जोर दिया नहीं आपका बेटे को आना पड़ेगा, हमारे भावी कुल गुरु हैं, हमारे बेटी का शादी वही पुरोहित करेगा, आप नहीं करेंगे बूढ़ा। वो तो क्या करता बेचारा, जवान पुत्र को ले जाना पड़ा, और वहां जाते उसने देखा जो चकाचौंध राजमहल की, वो भी विवाह के लिए सजावट की गई हो, फिर तो क्या कहना, वैसे ही चक्कर में आ ही जाएगा, अब तो और भी कहना क्या। अब उसने मौका लेकर खिसक गया और ढूंढ रहा है किस चीज का चोरी करो। वासना है ना, इतने संस्कार इतना आसान थोड़ी टूट जाना, यही हमें परतंत्र कर दिया है।
यद्यपि स्वतंत्रता है कर्तुम अकर्तुम अनिता कर्तुम शक्यते, लेकिन हमारी खुद की जो वासनाएं हैं उस स्वतंत्रता को खत्म कर दे कर्म का। और भोग में तो परतंत्रता सर्वथा सिद्ध है ही। इसलिए तो उस व्यक्ति ने क्या किया, पूरा हर चीज को छूता था छोड़ देता था, सोना को छुआ छोड़ दिया, कभी इसको चोरी करूंगा तो ये मिलेगा मेरे को दंड, इसे इसको नहीं चाहना चाहिए, छोड़ दिया। करते 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 घूमते 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 उसने गौशाला पहुंच गया, वहां भी गाय बछड़ा बछड़ी किसको भी छू के देख लिया, सांकल को छुआ लोहे का, सब इसको चोरी के दंड दिखाई दिया, भगवान दंड देंगे। अंत में एक ही चीज को दिखा, भूसा। जिसमें से पूरा दंड शास्त्र पढ़ा, कहीं लिखा नहीं भूसा चोरी करेगा तो ये मिलेगा दंड, और जब ये गठरी बांधी और चल दी। तो इसी ने ये जो संस्कार है ना, वासना, ये हमारे कर्म की स्वतंत्रता को खत्म कर देता है। पुरुषार्थ है कि वासना को बदलने का प्रयास, स्वयं उस समय भी इसको जाना करना चाहिए, नहीं आए तो सही, चोरी का भाव आ गया, चोरी करने का आ गया, लेकिन नहीं चोरी करूंगा नहीं, या कुछ भी हो जाए मर जाऊं लेकिन मैं करूंगा नहीं, ये दृढ़ निश्चय करना, मन की वासना के अनुसार उत्पन्न जो इच्छाएं हैं उसको मारना है, ये मुख्य पुरुषार्थ है और कुछ नहीं। और ये मार लिया उसने तो अपने लक्ष्य अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार सारे कर्म कर सकेगा, फिर विवेक करता हुआ उचित वो करेगा, अनुचित में काट देगा, वासना से इच्छाएं आती है उसको काट देगा, सहन करेगा, इसे सहन तो करना पड़ता है ना, आगमा पायन नित्या तो करनी पड़ेगी, और सहन करने की क्षमता बढ़ाना पड़ेगा। ये सब यम नियम पालन करने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर ये सामर्थ्य जगता है, नहीं तो उस वासना जब प्रबल होकर आती है आदमी का विवेक ही गायब हो जाता है। इसलिए यम नियम आदि का पालन क्यों बता रहे, फिर सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य वगैरह इसीलिए ही बताया जाता है, ताकि आपका विवेक उस समय में भी बना रहे, वासना के अनुरूप उत्पन्न इच्छाओं को आप काट सके। पुरुषार्थ कुछ इतने काम कर लिया तो उसने पुरुषार्थ कर लिया, नहीं किया तो क्या, वो भी वही पशु ही है, वासना के हिसाब से भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, इच्छाओं के मुताबिक नाच रहा है, मनमौजी है, तो पशुवत हो गया ना, वो पुरुषार्थी नहीं हुआ, असली पुरुषार्थ इसमें होता है। इसलिए कहते हैं यहाँ कर्तु कर्मणाम अस्वातंत्र लक्ष्यते, भोग तो चतुक सत्य हो अस्वातंत्र लक्ष्यते, कौन वर्तो विवशम भजेत, विवशम काल कर्म गुणाधीनम पुरुषम, कौन वर्तो विषय भजेत सुखयेत। इसलिए बताओ इस पुरुष को काल कर्म और गुण के अधीन रहता हुआ इस पुरुष को कौन सा विषय इसको सुख दे सकता है, बताओ, भज सेवान सुख तो कौन देगा, अर्थात संसार का कोई भी पदार्थ उसको सुख दे नहीं सकता। न देहिनां सुखं किंचित विद्यते विदुषामपि तथा च दुःखं मूढानां व्रतांकरणं भरम्। यही कोई कहे नहीं मैं समर्थ हूं, मैं कर लेता हूं, सम्यक कर्म करूंगा, मैं जानता हूं, धर्म लिखा पढ़ा लेता हूं और गलत कभी नहीं करूंगा, और दुख आएगा तो उसे दूर रहूंगा या सहन कर लूंगा, उसे विचलित नहीं होता, इधर सदा मैं इस प्रकार से जीऊंगा जिससे कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, ऐसा कोई अहंकार करता है तो झूठा अहंकार करता है। व्रता अहंकरणम वरम, ये सम्यक करो कर तुम जानती ते सुखी नहीं एव, ये तो न जानती ते एव दुखी नहीं थी चेत न कहते नहीं सर्वे एव दुखी न, सर्वम दुखमेव योगी न। योग सूत्रकार इसे कहते हैं जो अक्षिकल्पो अयम योगी, अक्षिकल्प योगी जो है ऐसा योगी सर्वम दुखमेव, उसी की ओर भाष्य का यहाँ भगवान जा रहे, न देहिनां सुखं किंचित विद्यते विदुषामपि, देही जीवों के लिए कोई भी चीज सुख नाम का वस्तु वास्तव में संसार में मिल नहीं सकता है। यहां तक विदुषामपि जो अपने आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान मानते हैं उनका भी यही हाल, किमुत मूढ़ा नाम, ये तात्पर्य है, तथा च मूढ़ा नाम व्रता अहंकरणम बरम। इसलिए मूढ़ यदि कोई अहंकार करता है कि मैं सुखी हूं, मैं शुभ्र रह सकता हूं, मेरे पास धन दौलत सारी चीजें हैं, वो मां मूढ़ता है, उसकी व्यर्थ अहंकार है। साधारण जीवों को लेना
यदि प्राप्ति विघातं च जानन्ती सुख दुःखयोः नित्यप्यध्यान वियोगं मृत्यु न प्रभवेत यथा। अरे देखो, यदि मान लो कोई कहते नहीं मैं सब जानता हूं, दुख का उपाय जानता हूँ, सुख का उपाय जानता हूँ और ज्योतिष में बड़ा एक्सपर्ट हूँ ना, आने वाले दुख को जानकर पहले उपाय कर दूंगा तो दुख आवेगा ही नहीं मेरे पास, और इस सुख में बाधा है उसको जानकर उस बाधा को पहले दूर कर दूंगा, सुख ही सुख आते रहेगा लगातार, अरे मैं सदा सुखी रहूंगा, मेरे कोई समस्या नहीं होगी। तो लेकिन मौत को टाल सकोगे क्या? वो दुख को कौन टालेगा? उसका उपाय जो ब्रह्म विद्या है, ये कहां से मिलेगा? इसलिए कहते हैं बड़े आप विद्वान हो और अब विघातं च प्राप्तिं च जानन्ती, इस सुख के प्राप्ति के रास्ता जानते हो, दुख के विघात करने के रास्ता भी जानते हो, सुख दुख यो मतलब सुख प्राप्ति दुख से विघातं च यदि जानन्ती, ये जानन्ती तेपी अद्धा निश्चित रूपेण यया विद्यया मृत्यु न प्रवेत तम योगम न विदुहो, जिस योग से, जिस साधन से, जिस विद्या से मृत्यु के प्रभाव नहीं होती उस विद्या को वे भी नहीं जानते हैं। कौन वर्त सुख यत्येनम कामो वा मृत्युरंतिके आघातम नियमानस्य वध्यस्यैव च न तुष्टिदः। कदे किसी को फांसी चढ़ा दिया गया और फांसी के लिए ले जा रहे उसको, उस समय कहो उसको ए देखो बढ़िया रसगुल्ला खाओ, मौज कर लेना, अब तेरी मौत आ रही है, उसको अच्छा लगेगा वो है? कहो ए देखो तेरी दिव्य सुंदर पत्नी है, अंतिम बार आलिंगन कर ले, प्रेम कर ले, करेगा वो? मौत आ रहा है सामने, पक्का है कि वह दो चार क्षण के बाद मेरे को चढ़ना ही है, उसके लिए किसी भी प्रकार का उसका अत्यंत प्रिय वस्तु भी सामने रख दो वह भी उस समय अप्रिय ही लगता है। उसी प्रकार मृत्यु काल में ये सुख भी निश्चित रूप दुख रूप ही हो जाता है। कौन अर्थ सुख यदि है ना कामो वा मृत्युरंत है, मृत्यु जब नजदीक आ जाए कौन वर्तक काम होगा, कौन सा उसके अपना जो धन दौलत है या इच्छाएं हैं जो उसे सुख प्रदान कर सकेंगे। उसी प्रकार दृष्टान आघातम नियमानस्य वध्यस्य वन तुष्टिदः, कोई वध्य है उसको मारने के लिए ले जाया जा रहा है, उसके सामने रखा कोई भी वस्तु जिस प्रकार प्रसन्नता संतोष को देने वाला नहीं है, उसी प्रकार से इस जीव को बताओ कौन सा ऐसा उसका प्रयोजन होगा, कौन से ऐसा धन दौलत होगा, कौन से ऐसी उसकी कामनाएं होंगी जो मृत्यु समीप पाने पर उसे सुख देता हो। एकमात्र ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, ईश्वर का स्मरण के अलावा और कोई चीज नहीं जो उसे सुख दे सकता है, और उसके पूर्व अभ्यास जरूरी है, नहीं तो अंत काल में कहां से स्मरण आ जाएगा। श्रुतंच दृष्टवत् दुष्टम स्पर्धासु याते व्ययी बहुवंतराय कामतात् कृषिवच्चापि निष्फलम्। यदि कहते चलो महाराज आप जो कह रहे ठीक है भगवान मान लेता हूँ, इस संसार में जो कुछ भी है सब दुख में, यहाँ जो इस संसार से इस लोक में, स्वर्ग में तो अच्छा होगा ना, वहां मृत्यु का भय नहीं होगा, वहां कोई दुख नहीं होगा, इस तरह स्वर्ग को प्राप्त करने का प्रयास करें। आपको प्राप्त करने क्यों प्रयास करें, भगवान को क्यों प्राप्त करने का प्रयास, क्यों ब्रह्मज्ञानी बने, स्वर्गवासी हो जाए, कैलाशवासी, वैकुंठवासी नहीं, साकेत लोकवासी, गोलोकवासी, कुछ लोग जैसे बन जाए तो वहां ज्यादा अच्छा है। कहते नहीं, जितने श्रुतम जो वेदों में बताया ना स्वर्ग ऐसा है वैसा है, गोलोक ऐसा है, साकेत लोक ऐसा, ये लोग वो लोग दुनिया भर वर्णन है, वो सारे के सारे दृष्टवदेव दुष्टम, जैसा इस लोक में देख रहे हो वैसे ही वो सकल दोष वहां भी विद्यमान। ऐसे कैसी बात करते हो, क्या क्या वहां विद्यमान दोष है? कहते वहां भी स्पर्धा होती है, इंद्र कभी नहीं चाहता कोई वायु देवता इंद्र पद के लिए प्रयास करे, कोई प्रमोशन पाले वो नहीं चाहता कभी, किसको किसी देवता कोई प्रमोशन कभी नहीं मिलता, नो प्रमोशन वहां सिस्टम ही नहीं है, यहां तो हर 14 साल में देना ही पड़ेगा, 14 साल के बाद है ना सरकारी कानून, अच्छा जैसा भी होगा उसको एक पोस्ट आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, 14 साल सर्विस जिसने कर दिया।
वहां तो है नहीं, चाहे 14 मनमंत्र भी कर देगा तो भी वही पोस्ट में रहना है उसको, तो उसके काल अवधि जब तक पूरा हो तब तक वही पोस्ट मिल गया वही रहेगा। कोई आगे बढ़ने का प्रयास करेगा तो इंद्र तुरंत दबा देगा उसको, उठना नहीं। चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे गंधर्व हो, कोई भी हो, और बड़ी स्पर्धा होती है। और असूया भी, एक की पूजा होने लगती दूसरा नाराज हो जाता। इंद्र तो यही कि अरे मेरी पूजा करनी चाहिए, छोड़ कर दी, ये गोवर्धन की पूजा कर रहा है, ठीक नहीं है, बस वर्षा करो, ये करो, वो करो, भाई धमाका कर दिया उसने। हमारी मानो, हम जो कहेंगे वो करनी चाहिए, दूसरे की बात नहीं चलनी चाहिए। वह असूया बढ़ार्द परे परगुणेशु दोष आविष्करण करते हैं, वो अत्यय सदा डर बना रहते हैं, 24 घंटा डर है वहां पर कोई मेरा अतिक्रमण करना जावे। और वे भी, अरे भाई पद खत्म होने वाला है, लास्ट डेट नजदीक आ, रिटायरमेंट डेट जैसे आता है ना, आदमी वैसे ही बूढ़ा हो जाता है। जब मालूम हो जाए उसको अगले साल रिटायर्ड होना है, उसके बाद से वो काम करना ठंडा पड़ जाता है, और धीरे 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 वो स्थिति हो जाती है, उसका चेहरा देखने लग रही है, ऐसा मुरझा जाता है, इतना दुखी होता है। जहां 25 साल से नौकरी करने आया, गया, सबके साथ उठा बैठा, खाया पिया, है झूठ चल कर 2 नंबरी 3 नंबरी कर लिया, और अब कैसे होगा, तो पेंशन मिलेगी, तंखे का 1/4 भी नहीं होता है वो, अब क्या होगा, बड़ी चिंताग्रस्त होता है। और घर के लोग भी क्या करेंगे, जब तक लाएगा नहीं तो कौन पूछेगा, बड़ा दुखी होता है। हमने देखा है ना फैक्ट्री में रिटायर्ड होने वालों को, जितना भी आप सम्मान भी करते रहो तो भी अंदर से बड़ा, बाहर से हंसता है, बड़ा दुखी होता है वो। फिर क्या करेंगे, हमने देखा, हमसे जब जितना बूढ़ो तो ऐसे बूढ़ों से बड़ा संपर्क करते थे एक्सपीरियंस देखने के लिए ना, वो नौकरी में चेल में, तो हम एक रिटायर्ड थे, पूछा कहते जरूर मेरे को फोन करते रहना, क्या बात है, कहते दिल में थोड़ा होगा हमारा कोई है, इतना उनको वो होता है, घर के लोगों पर भरोसा नहीं है, वो कहते यहाँ जो मित्र है ना फिर भी थोड़ा प्रेम से बात करते हैं, कि हम कोई किसी का है नहीं, इकट्ठा हुए हैं सब पराये लोग, अब एक दूसरे को प्रेम से बात कर लेते, चाय पानी कर लेते थे, और घर में तो कौन पूछे, अब तो हमें नौकर बनना पड़ेगा, चौकीदार बनना पड़ेगा, कुत्ते को लेकर घूमना पड़ेगा, है अब पोता पोती को पालना पड़ेगा, ये झंझट में हम पड़े रहेंगे, अब उसे कहीं त्रुटि हुई तो बहू भी ताने मारेगी, बेटा भी गाली देगा, और पति तो वैसे नहीं पूछना बंद कर देगा, अब तो बेटे को पूछेगी वो, कि वो देगा ना, हमको कौन पूछेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम आते जाते नहीं, 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 आना नहीं आना नहीं, नहीं क्यों भाई क्यों, आने में क्या नहीं, नहीं आपका अपमान हो जाए तो हमको बहुत दुख लग जाएगा, आना नहीं भाई, मैं आपके घर आ जाऊंगा, कहा जाओ जाओ कोई बात नहीं, चाय पिला दिया करेंगे, क्या दिक्कत है। और उसको ये डर है यदि हम आ जाए तो कहे कहीं हमारे बहू चाय न पिला दे, कॉफी न दे, तो अपमान होगा ना, वो ठीक नहीं। इसे कहते आप फोन से बात करना, कभी कभी हम आपके पास आ जाएंगे, मन खराब हो जाएगा उधर तो हम आ जाएंगे। ये रिटायर्ड लाइफ लोगों की जिंदगी चल रही इतना दुर्दशा, तो वैसे कहते स्वर्ग का भी यही हाल है, जब समय व्यय होने लगता है ना, इंद्र को भी डर लगता, पता आगे चिंती बनना पड़ेगा, गधा घोड़ा बनना पड़ेगा, पता नहीं क्या बनना पड़ेगा, कोई भरोसा नहीं, उसको डर लगता है, व्यय का डर हो रहा है। इसे स्पर्धा सुयाते व्यय ही दृष्टवे दुष्टम श्रुतम सर्वम गा दिया बहुअंतराय कामत्ता, इतना ही नहीं और क्या कहते हैं, बहुअंतराय कामत्ता, बहुअंतराय वैगुण्य आदि रूपा विघ्नाः यस्मिन् कामे सुखे तस्य भाव तत्त्वमिति, ऐसा वो सुख है जिसमें वहां भी अनेकों विघ्न, असुर लोग परेशान, देवासुर संग्राम सुन चुके कई बार, देवता लोगों को छिप छिप के घूमते रहना पड़ गया, बादलों में छिपके बैठे रहे, ऐसे ऐसे वर्णन आता है। इंद्र के ऊपर ब्रह्मत्या दोष लग गया, वो भागते फिरा, छिपते रहा, 1 साल तक छिपा हुआ था वो, ऐसे सब पद वालों का वहां दुर्दशा होता है, ऐसी नहीं कि वहां कोई परमानेंट सुख है, आनंद ही आनंद है, कुछ नहीं है। बहुअंतराय कामत्वात् कृषि वच्चापि निष्फलम, इसे यथा कृषि बहुविघ्न निष्फलम विनाशित्वात् तद्वदेव श्रुतम सर्वम लोकादिकम अपि स्वर्गादि लोकम अपि निष्फलम एव, वास्तव में वो भी निष्फल ही है समझो।
एक बार खेती कर दिया तो शांति नहीं है ना, बार बार करना पड़ता है, हर बार 100 झमेले, नहीं पानी का झमेला, कहीं बिजली का झमेला, कहीं बरसात की झमेला, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं कोई कभी कोई कीड़े पड़ गए, कहीं कोई तंत्र मंत्र कर डाला बंद कर दिया, कहीं कुछ लफड़ा ही लफड़ा, फिर भी सब जल के करती रहती है। आदमी का अकल ही नहीं आता है कि भाई ये हम क्या कर रहे हैं, ये भगवान की माया है, वो नहीं करे तो आपको रोटी कहां से मिलेगा, भजन करने वालों को रोटी कहां से मिलेगा, इसलिए भगवान की ऐसी माया है, वो 10-20 को ही अकल देता है, बाकी सबको कहते तू पेलते रहा अपना जिंदगी में काट, खेती करते रहो, बिजनेस करते रहो, धंधेबाजी में लगे रहो, उन लोगों की माया में ऐसा अकल बनाए रखे रहता है। और जो यहाँ 10-20 को अकल देते हैं उनमें से भी 9 तो बर्बादी में ही रहते हैं। एक आध है जो सही रास्ते पे चल देता है, एक आध है जो सही रास्ते पे चलते, नहीं तो यहाँ जो आगे 9 भी उसको पढ़ लिख करके उसका बिजनेस करना चालू कर देते हैं, उसको भी बेच के कमाने में लग जाते हैं, वही धंधे में वो भी लग जाते हैं मठ मंदिर का। इसलिए बहुत ही कम है ना जो निवृत्ति मार्ग में वास्तव में चले, ये तो बहुत ही कम लोग होते हैं, न के बराबर संख्या हो तो। अंतराय रवि अविहतो यदि धर्म स्वनुष्ठित तेनापि निर्जितम स्वान स्थानम यथा गच्छति तच्छृणु। यदि कोई कहे महाराज हम ऐसा धर्म का अनुष्ठान कर देंगे जिसमें किंचित भी विगुणता नहीं, बिल्कुल परफेक्ट, एक भी गलती नहीं करूंगा, पूरा विधि जैसा आपने वेदों में बताया उस विधि का किंचित भी इधर से उधर नहीं करूंगा, 100% सम्यक अनुष्ठान करूंगा, तब तो हमको 100% सुख मिलेगा, कहते तब भी नहीं मिलने वाला। ये कर्म से शाश्वत नित्य सत्य सुख मिल नहीं सकता ना, नास्ति अकृत कृतेना, ये समझा रहे हैं बुद्धों को, तुम जितनी भी तर्क दे लो लेकिन कर्म से तुम मोक्ष चाहता है शाश्वत सुख शांति ये कभी नहीं हो सकता। अंतराय अविहतो, अंतरा माने अनेक प्रकार विघ्नादि जो होते हैं कर्म में दोष होते हैं उनसे रहित अविहत यदि धर्म स्वनुष्ठित, यदि आप धर्म को सम्यक अनुष्ठान कर दोगे ना, तेनापि तारस धर्मानुष्ठान के द्वारा भी निर्जितम स्थानम, वो जो स्थान जो लोग तुम जीत गए हो प्राप्त कर रहे हो वहां भी तुम कैसे जाओगे वो सुन लो, यथा गच्छति तत्क्षण, तुम किस तरह से जाओगे वहां तुम्हारा क्या दशा होगा ये समझो अच्छी तरह से। इष्टेह देवता यज्ञ स्वर्लोकम यात याज्ञ भुंजित देवत्र भोगान दिव्यान निजार्जितान। यहां आपने कर्म जब भी करोगे कर्म तो देवताओं को उद्देश्य करके होगा, पहले ही से तुमने दूसरे को मालिक मान के गए हो, अपने आप को नौकर मान के चल रहे हो, फिर कहां से सुख मिलना है। आपने विष्णु स्वाहा इंद्राय स्वाहा प्रजापति स्वाहा वरुणाय स्वाहा वायव स्वाहा करते रहते हो कि नहीं रहते हो, ये सब क्या है, ये सब वहां बैठे हुए हैं, वो कहेंगे हा बेटा कोई बात नहीं, तुम आए हो तुमको दिव्य भोग दूंगा, लेकिन काम तुम्हें करना वही है जो मेरा नौकरी का काम है, अंत में वही काम करना पड़ेगा, भोग तो मिलेगा सारा, जैसे अखाड़ों में होते हैं ना भोग सारा मिलता है, पान खाइए घड़ी पहनिए जूता पहनिए साइकिल लीजिए टिक टॉक, आजकल तो साइकिल कोई वैल्यू नहीं रह गया, इससे मोटरसाइकिल बढ़िया जो है मिल जाता है, सब दे देंगे वो, खूब घूमो दौड़ो, आओ अंदर आने के बाद माँ बहन की गाली सुननी पड़ेगी, वो तो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बर्तन धोना पड़ेगा झाड़ू मारना पड़ेगा सारा, और उसमें भी जैसा भी करोगे उनके पंचम वेद तो बंद नहीं होगा, वो तो जितना बढ़िया करो उतनी ही ज्यादा मिलेगी और मिलेगी, नहीं करो तो मिलना ही है, करोगे तो भी मिलना है, वहां कोई फर्क पड़ता नहीं। हाँ इसीलिए वैसे ही समझो, इसलिए हम चलते जब श्लोक है ना बिल्कुल अखाड़े में घटता है, तथा अखाड़ा तथा स्वर्गम, स्वर्ग और अखाड़े में कोई अंतर नहीं है, अखाड़े में दिव्य भोग मिलते हैं, कोई चीज की कमी नहीं, खाना पीना घोटो बादाम घोटो ये घोटो वो घोटो चलते रहता है, और खाते पीते वाकई में मौज मस्ती में खाते पीते अखाड़े वाले, बढ़िया हाल है, मौज आ गया महंत की है बना हुआ
लाओ ये लाओ वो लाओ बनाओ, घोट रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, लेकिन दिव्य भोग रहते हुए वो पंचम वेद से रहित नहीं रह सकते। साथ में जरूर रहना, वो आस्वादन साथ में छकनी पड़ेगी, बड़ी विचित्र दुनिया। वही यहाँ पर कह रहे देखो, आप यह देवताओं के जन करोगे, यह देवता यज्ञ ही इष्टवा स्वर्लोकम याति यज्ञ, कहा यज्ञ करने वाला कर्मकांडी स्वर्लोक जाता है, वहां देववत तत्र वो स्वर्लोक में देवताओं के समान ही दिव्यान भोगान बुंजित निजार्चितान अपने द्वारा अर्चित पुण्य से प्राप्त दिव्य भोगों को भोग करता है। उसके बाद स्वपुण्योपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते गंधर्वैर विहरन मध्ये देवी नाम हृदय वेश धृक स्त्री भी काम गयानेन किंकिनी जालमालिना क्रीडन न वेद आत्पातम सुरा क्रीडेश निवृत। वो पुण्य का दिव्य भोग कैसा है, दिव्य भोग का वर्णन कर रहे हैं। स्वपुण्य से उपचित एक शुभ्र विमान आएगा, स्पेशल विमान होगा, वीआईपी विमान, उसके लिए पैसेंजर विमान गाड़ी में नहीं जाना, अन्य लोग रहेंगे नहीं, आपके लिए ही विशेष वीआईपी विमान होगा। जैसे होता ना प्रधानमंत्री के जरा वीआईपी विमान होता, उसमें अन्य लोग नहीं होते, आम जनता के साथ नहीं जाएगा, उसका अलग होता है, वैसे ही वीआईपी विमान आपके लिए आएगा। शुभ्रे विमाने उपगीयते, वहां पर भी क्या है, स्वागत बड़े गंधर्वैर उपगीयते, गंधर्व लोग आपका गायन करके स्वागत करते हैं, और कहते साथ में क्या होता है, मध्य देवी नाम हृदय हृदय वेश दृक देवियों को भी प्रसन्न कर देने वाला वेश को धारण करके विहरन विहार करते रहेगा। और श्री बीरवा या नहीं रवा उपनिषद में आया ना, श्री बीरवा या नहीं रवा क्रीडन करके वहां पर आया था, क्रीडमान रममाण इतने शब्दावली प्रयोग के उपनिषदों में उसी का वर्णन कर रहे हैं, उसी श्रुति के आधार पर बोल रहे हैं। विहार करते हुए क्या करता है, और स्त्री भी काम गयानेन, स्त्रियों के साथ कैसी स्त्री है वो, किंकिणी जाल मालिना, किंकिणी जाल के द्वारा माला से धारित ऐसा विशेष अपने काम की गति कामग आपकी इच्छा के मुताबिक गति से चलने वाला विशेष यान के में पर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता हुआ ऐसा विचरते रहता है, उसे पता नहीं चलता है मेरा डेट आ गया है। आत्पातम न वेद, आत्पातम न वेद सुरा क्रीडेश निर्वृत, स्वर्ग दिव्य भोग में लीला करता हुआ वह इतना निर्वृत होता है, इतना ही वो सुख में इतना मस्त रहता है, वो अब गिरने का मेरा समय आ गया इस बात को जानता ही नहीं। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते क्षीण पुण्य पदत्यर्वाग अनिच्छन काल चालित। स्वर्ग में तब तक वो आनंद को मौज को लूटेगा जब तक उसका पुण्य समाप्त नहीं होगा। क्षीणे पुण्य सर्वलोकम विशन्ति, क्षीण पुण्य पदत्यर्वाग, स्वर्गलोक से जैसे गिरता है मर्त्यलोक में पहुंच जाता है, उसी प्रकार से यहां पर भी कह रहे थे क्षीण पुण्य पतति अरवाग नीचे की ओर गिरता है मर्त्यलोक में आ जाता है। अनिच्छन है, चाहता तो नहीं बेचारा वहीं रहना चाहता है, कौन आना चाह रहा है, लेकिन अनिच्छन अपी काल चालित, काले न चालित पातित, उसका काल समाप्त हो गया, उसको लौट के आना ही पड़ेगा। ये तो हो गया कर्म करने वाला धर्मानुसारी ना, और अधर्म करने वाले की तो फिर क्या कहना है, उसने उसको संक्षेप में कह दे रहा है। यद्यधर्म रथ संगात असताम वाजित इंद्रिय कामात्ता कृपणो लुब्ध स्त्रैणो भूत विहिंसक। यदि अधर्म रथ, यदि वो अधर्म में अभिरक्त है, क्यों असताम संगात, असत्यों के पुरुषों का संग के वजह से, वा पूर्व की अपेक्षा से पहले धर्म था अब अधर्म हो गया, इसलिए वा कह दिया, वा यदि अधर्म रतः असताम संगात, क्यों अधर्म में रत हो गया, असत का संग भी हो जाए विवेक बना रहे तो वहां का भी गुणग्राही बन के अलग हो जाएगा। कहते नहीं, अजितेंद्रिय, ये जितेंद्रिय नहीं है, इसीलिए ये
जैसा संग वैसा रंग हो जाता है इसका। अतएव सब अधर्म असत्वों का संग से असत रूप धारण करके अधर्म ही करते रहता है। जिसलिए वह जितेंद्रिय है इसलिए वह कामात्मा है। पूर्वोत्तर हेतु हेतु भाव, कामात्मा होने से कृपण है, कृपण होने से लोभी हो गया, लोभी होने से स्त्री अधीन हो गया, स्त्री अधीन होने से भूत विहंसक हो गया। स्त्री को प्रसन्न करने के लिए कितने माल बटोलने पड़ेंगे और माल टाल लाने के चक्कर में क्या करता है, दूसरों को हिंसा देना पड़ता है, दूसरों को खून चूसना पड़ता है, ये तो कहां से लाएगा। दो नंबरी काम इसलिए आजकल ज्यादा होने लगे, स्त्रियों का ऊपर नियंत्रण नहीं रह गया, स्त्रीण हो गए लोग। नहीं तो पहले जमाना ऐसा था नहीं, क्योंकि वह स्त्री बिल्कुल चुप, कुछ बोलती नहीं, मांगती नहीं, जो दिया उसी में रहना है, जैसे रख रहे हैं वैसे रह रही है, ये चाहिए साड़ी चाहिए नाम नहीं कभी लेना, तो अपने आप मर्जी से ला के दिया दिवाली वाली में तो ठीक है, ऐसे चलता था। अब आजकल ऐसा नहीं, साड़ी से तो दूर की बात, वो तो है ही है, लिस्ट उसकी लंबी अपनी, उसके अलावा नहीं, मकान ऐसा होना चाहिए, खिड़की इस तरह का होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, सोफा सेट ऐसा होना चाहिए, अरे बाबा ये भी सब साथ में ले जाने वाली है क्या पता नहीं, दुनिया और इसके भी पीछे लग जाते हैं, घर का भी साथ सजावट में लग जाते हैं। अब आदमी कहाँ से लाएगा, उसका लिस्ट पूरा करना ही मुश्किल, और घर का भी लिस्ट अलग लिस्ट बना देती है, अब कहाँ जाए। अब इसलिए उसको बोला आदमी जब काम करना था, नहीं आपका कागज नहीं है, जाओ है 100 रुपए दे, हाँ ठीक है साइन करके तब देगा, क्या करेगा, वो दो नंबरी कमाना पड़ता है, और देवी को खुश करना ना, देना है उसको लिस्ट पूरा करना है। एक बैंक वाला आता था, वो कहा कि स्वामी जी अब तक जो हो गया सब आज के नहीं करूंगा। मैंने कहा क्या भरोसा, आगे कोई लिस्ट नहीं मिलेगी क्या तेरी औरत की है? आज तक तो उसके कहने पर नासा मकान बना दिया, सब भवन हो गया, सब कुछ हो गया, अब तुम समझ रहे हो पर्याप्त हो गया है। मैंने कहा तेरे लिए पर्याप्त भले अब महसूस हो रहा है ना, लेकिन उसके लिए पर्याप्त है क्या? मैंने कहा अभी बच्चे जवान हो रहे हैं तेरे, ये याद रखना, अब लिस्ट दूसरी आएगी। जवान लड़का हो गया, मोटरसाइकिल लाओ बोलेगी, क्या करेगा, 50,000 निकाल कहां से लाएगा, साल भर की तंके का बचत भी 50,000 नहीं बचना है। और फिर उसको बोलेगी बी पढ़ाओ, अब बी के लिए चाहिए 10 लाख कहां से लाएगा, सब लफड़ा। मैंने कहा अभी शुरुआत है भाई, अभी खत्म हो गया तुम बोल रहे हो, अरे बच्चे जवान हो रहे हैं, अभी तो शुरुआत की बात है। अच्छा नहीं नहीं महाराज, हमारी पति समझदार है। मैंने कहा ठीक है, समय आएगा तो रोते मेरे पास फिर आएगा ना, तब मैं बताऊंगा। साल भर नहीं हुआ फिर आया महाराज, परेशान हो रहा। मैंने क्या बात तो महाराज, ऐसे ऐसे पत्नी बोलती है मुझे स्कूटी लाओ, लड़की के लिए स्कूटी लाओ, लड़का के लिए जो मोटरसाइकिल चाहिए। मैंने कहा देखा तुमको क्या मैंने कहा साल भर पहले, याद है? कहते इसलिए आया महाराज, कुछ उपाय कर दो। मैंने कहा इन उपायों से कुछ नहीं होने वाला, तेरा अक्ल सही होगा तो सब सही हो जाएंगे, टाइट हो जाओ, नहीं लाएंगे क्या कर लेगी वो, धमकी तो देगी मायके जाने की, भेज दो उसको। देखते रह गया, देखते मैंने क्या देख रहा, भेज देना पूरा, नहीं आएगी तो क्या होगा, क्या होगा, नौकरानी को रख लेना, सस्ता पड़ेगी। मैंने कहा नौकरानी सस्ता है, ये महंगा है धंधा। तो कहता है कमाल कर दिया महाराज आपने। मैंने कहा उपाय करके देख लेना, तुम सुखी हो जाएगा, नहीं तो बहुत दुखी हो जाओ। कहा तक दो नंबरी बटोरते रहेगा, अब तो लोनिंग ऑफिसर हो मिल भी जाता है, अब प्रमोशन हो के तुम हो जाओगे प्रमोटिंग ऑफिसर, तब कहा मिलेगा फिर लोनिंग ऑफिसर में तो मिल जाता, फील्ड ऑफिसर बोलते हैं, लोन करना है तो लोग देते हैं लोन के लिए, यहाँ तो मिल रहा है तेरे को दो नंबरी, आगे क्या होगा, तो सोच लेना अभी से इसलिए सही हो जाओ। तो ये संसार का नियम है, इसे और बढ़ेगा घटने वाला कोई चीज नहीं होता यहाँ पर। ये तावत प्रमोदित स्वर्ग, ये कैसे लिखा था, कृपण और स्त्रैण जो हो गया वो भूत विहिंसक जरूर होगा। पशु अविदिना आलभ्य प्रेत भूत गणा नियजन नरकान अवशो जंतुर गत्वा यातिल्बणं तमः। अविदिना पशु नालभ्य, और क्या करेगा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के चक्कर में अविधि पूर्वक पशुओं का आलभन करने लगेगा। प्रेत भूत गणा निजन, प्रेतों को भूतों को इत्यादि गणों को यजन करने लगेगा। जल्दी से जल्दी सिद्धि चाहिए ना, जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता चाहिए। अरे विष्णु विष्णु बहुत लंबा टाइम लगाते हैं प्रसन्न होने में, इसे भूत प्रेत तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
ऐसा सिद्धि चाहिए जो 21 दिन में सिद्ध हो जाए, 5 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए, ये मांगते लोग। आज भी दुकानदार के बैठा कहता महाराज शब्द हमने तो हालत खराब हो रखा है, ऐसी कोई बता दो कि बस 4 दिन करो 5 दिन मेरा चल जाए, दुकानदार फर्स्ट क्लास। मैंने कहा अच्छा है चलो बताते तेरे को। फिर घुमा फिरा के ऐसे घुमाया उसको, हमने कहा देख तेरे किया हुआ क्या क्या है, तुमको पहले क्या क्या उपाय बताया, तुमने क्या क्या किया सोच लो, किया नहीं फिर अभी बताओ तो क्या फायदा होगा, कुछ नहीं होगा। बताया को करोगे तब न लाभ होता है, नए नए उपाय पूछते रहने से थोड़े लाभ हो जाएगा। अभी नई उपाय बता भी दो तुम सुन लोगे, करोगे नहीं तो कहां लाभ होना है। पहले भी ऐसा होते आया, जब जब बताया थोड़ा किया, पूरा अनुष्ठान किया नहीं, छोड़ दिया, नतीजा भुगत रहे हो, आगे भी यही होगा। इसलिए पहले बताया को पूरा करो, उसी से सुधर जाएगा, फिर नया भले बताएंगे बाद में। ये दुनिया ऐसा है, थोड़ा सा राहत नहीं मिला और सब छोड़ के बैठ जाएंगे, हो गया काम तो बढ़िया चल रहा है ना, छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा समझ में आ गया लघु तो पढ़ना पूजा पाठ छोड़ देगा, आगे सिद्धांत तक पहुंचेगा नहीं। वो उपासना अनुष्ठान जो है आजीवन है, यावत ब्रह्मानुभूति नहीं है तावत का भी कल भी आता ना, श्रोत्रपनिषद कैसा होना चाहिए, यमान सर्वान नियमांश क्वचित, ये सब कहा कि नहीं कहा। गुरु होने के बाद गुरु बन भी जाओ कोई आपत्ति नहीं, गुरु बनोगे तो भी ब्रह्मानुभूति हुई नहीं है तो यम नियम सब पालन करना पड़ेगा। इसी के शुरू में कहा था भगवान ने, इसीलिए गुरु का विलक्षण बताया था, शिष्य का विलक्षण बताया था, उसे साफ कह चुके हैं। यावत अनुभूति नहीं है तावत कोई उपासना कोई कर्मकांड जो नित्य नैमित्तिक है उनको त्याग नहीं सकते। जो त्यागता है वो बीच रास्ता में ही विफल हो जाता है। कर्माणि इसलिए कहते हैं नरका नवशो जंतु गत्वा याति उल्बणम तमः, और मरने के बाद कहां जाएगा वो जीव, नरकों को चला जाएगा, अवश्य होकर वह जंतु नरकों को प्राप्त करेगा और भयंकर दुख को तमय दुख को पाएगा। कर्माणि दुखो दर्काणि कुर्वन देहे न तैः पुनः देहम आभजते तत्र किम सुखम वर्ति धर्मिणः। कर्माणि दुखो दर्काणि, कर्म भी ऐसे करता है वो जो दुख को बढ़ाने वाले, दुख को बढ़ाने वाले, दुख फलकानी दुख उधर कानी में उधर कहते फल को, दुख फलकानी है वह कर्माणि कुर्वन देहे न, अपने शरीर के में रहते हुए शरीर के माध्यम से वो दुख को दुख रूपी फल को देने वाले कर्मों को करता हुआ तय ही पुनः देह में आवे दोबारा शरीर में आता है। तथा किम सुखम मृत्यु धर्म न, पता ये चक्र में इस मृत्यु धर्म इस जीव को कहां से सुख मिल सकता है, अर्थात कभी इस संसारी बद्ध पुरुष को सुख नहीं मिल सकता। गुणा लोकानाम लोकपालानाम मद भयम कल्प जीविनाम ब्रह्मणोपि भयम मत्तो परार्ध परायुषः। और बाकी विशेष सुख भी मिल जाए ना, अंदर से एक डर रहता है जो अभिनिवेश है ना, पंच क्लेशों में से अभिनिवेश है बहुत ही खराब है, बाकी सब क्लेश को निपटा सकते हो इन अभिनिवेश निकलता नहीं है, भय मिटता नहीं। अरे किसका, अरे ब्रह्मा जी तक का भी मिटा नहीं, तुम्हारा क्या मिटेगा। अब जब तक ब्रह्मानुभूति नहीं होती, अभय पद की प्राप्ति जब तक नहीं, अभयत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए कहते हैं सारी दुनिया मेरे से भयभीत रहता है, भयात भीषास्माद वात पवते का है ना, वही कह रहे देखो वो सब ला रहे लोकानाम लोकपालानाम, समस्त लोक जो चल रहे हैं और जो लोकपाल इंद्रादि ये सब भी कल्प जीवी नाम जो कल्प पर्यंत जीवन व्यतीत करने वाले जो महान जीव लोग है वे भी मद भयम एव ब्रह्मणोपि भयम मत्तो, जिसकी आयु कितनी लंबी चौड़ी दीपरार्ध परायुष ब्रह्मणोपि, दीपरार्ध रूपी महान आयु वाला ब्रह्मा भी मेरे भय से काम धंधे में लगे रहता है। अरे मर्त्य धर्म का तो कहना है कि असाधारण जीव होंगी है, ये छोटे मोटे तो किस खेती के मूली है, ये तो दुखी होंगे ही अपने कर्मों की वजह से, कोई संशय ही नहीं। वो भी अपना उत्कृष्ट कर्म करके महान आयु को पाए, उत्कृष्ट पद को पाए हैं,
तब भी वो मेरे भय से सब काम धंधा उन्हें करना पड़ता है। पूर्ण सुखी नहीं हो सकते, मर्जी बेटा छोड़ो मैं कर्म करूंगा नहीं, चलेगा नहीं, करना पड़ेगा। कितने बार ब्रह्मा जी को वैराग्य हो गया अपने काम धंधे से, आगे कौन करे भाई, तो बहुत दिन से करते करते थक, आदमी को मन मूब जाता है ना, एक ही बात लिखते रहना पड़े, ये तुम ऐसे होता है एक्सीडेंट होकर मरेगा, हार्ट अटैक में मरेगा, ये होके मरेगा, कब तक लिखते रहेगा, लिखते 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 मन ऊब गया, चला गया। अब विष्णु को परेशानी, अरे संचान तो करने वाला है ना विष्णु, उसे तुरंत जो एडवर्टाइजमेंट दे दिया, भाई ब्रह्मा जी का पोर्ट खाली, एप्लीकेशन दो। अब बताते हैं वहां कहानी में है, यो वशिष्ठ के अंदर एक जगह आता है पूरा हिस्सा, हमने आज की भाषा में बोल देता हूँ एडवर्टाइजमेंट वगैरह, उस जमाने में हुआ कि ब्रह्माओं को बुलाओ, वेटिंग लिस्ट में जितने ब्रह्मा है, अब बुलाया गया, अब देख रहे हैं क्या, और ब्रह्मा जी जहां बैठे थे जो वर्तमान वाला, उसके सामने से सब जाने लगे, अब डिब्बों में बंद सब ब्रह्मा और जा रहे और चालक था बड़ी तेजी से भाग रहे थे, कहां जा रहे हो, अरे बस पूछो मत, समय नहीं है, वहां टाइम आ गया, टाइम हो रहा है हमारा, इंटरव्यू का टाइम है, इंटरव्यू का टाइम हो रहा है, तो क्या करे, कहां सुनेगा कोई बात। बड़ा जोर से पकड़ लिया उसने एक को, अरे बता सच कहां जा रहे है, उसने दिखाता हूँ, डबड़ा खोला दरवाजा, लंबा चौड़ा ब्रह्मा, ये तो चार हाथ का, तो आठ हाथ का, अरे क्या है, अरे ब्रह्मा जी है, हमारा पोस्ट कोई खाली हो रखा है, कम ब्रह्मा कोई दिमाग खराब हो गया, भाग गया, वैराग्य हो गया उस, अब जो है इसलिए इसके लिए ये सब इंटरव्यू में जा रहे हैं सब ब्रह्मा लोग, अच्छा वो तुरंत भागा वहां बैठ गया, अपने कुर्सी बैठ के काम करना सर गड़बड़ हो गया, सदा के लिए छुट्टी हो जाएगी, जब हम दो दिन की छुट्टी चाहते थे, फिर उल्टा सदा के लिए छुट्टी करने जा रहे हैं, वो अपना काम फिर लग गया। तो कहने का मतलब है ये भगवान का जो दंड है ना वो छूटने वाला नहीं है, वो ब्रह्मा को भी भय लगा हुआ है, मेरे पर दंड भगवान विष्णु का चलेगा, ब्रह्मा ब्रह्म का दंड है हमारे ऊपर, इसलिए लगातार अपने काम धंधे में लगे रहते हैं। गुणा सृजन्ति कर्माणि, गुणो अनुसृजते गुणान, जीवस्तु गुण संयुक्तो भुंक्ते कर्म फलान्यसौ। गुणा सृजन्ति कर्माणि, गुणो अनुसृजते गुणान, देखिए विचित्रता ऐसी है इसकी, वर्णन करने जा रहे हैं कैसा होता है सब चक्कर, बात ऐसे गुणा हमने इंद्रियाणि, इसका अवतरणिका बहुत सुंदर है, पहले उसका स्वयं ईश्वरत्व आविष्कारेण ईश्वरा भाव अंगीकार प्रत्यक्त, स्वयं में ईश्वरत्व का आविष्कार करते हैं जब, दूसरे ईश्वर के अभाव का स्वीकार करने की जरूरत नहीं पड़ती, अन्य भी प्रौढ़ पूर्व अंगीकृत निराकृति, और पूर्व अंग सारी बात उसमें निराकरण करते, तत्र यदुक्तम कर्तृभोक्त रूप एव आत्मा इति तन निराकरोति, पहले कह दिए कर्ता मानने वाले को भी सुख नहीं, स्वतंत्रता नहीं, भोक्ता का स्वतंत्र की शुरुआत आज के पाठ में सब यही शुरू हुई है, तो कहते देखो वो सारे का खंडन करते हैं, वास्तविक कर्तृभोक्त कहाँ है, आत्म में नहीं है, पहले तो बोल दिया जीवात्मा में सारा जो लोक का था स्थिति उसका अनुवाद करके सारी बात कह दिया, मैं धर्मी हूं मैं अधर्मी हूं ऐसे मानने वाले का क्या स्थिति है सब वर्णन कर दिया, और अब कहते वास्तव में इस आत्मा में न कर्तृत्व है न है, काय गुणा गुणेशु वर्तन्ते, इसलिए कहते देखो गुणा मन इंद्रियाणि, वे इंद्रिया क्या है, कर्माणि सृजन्ति, न तो आत्मा, आत्मा कर्म नहीं करता, आत्मैव इंद्रियाणि प्रवर्तयन् कर्माणि करोति, अरे आत्मा इंद्रियों को प्रवर्तन करा रहा है कर्म में, कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं, गुणो अनुसृजते गुणान, गुणा मने सत्र तमादि जो गुण है वो इंद्रियों को अनुसृजते मने प्रवर्तयति, ये सप्रस्तम गुण वो आप ही के कर्मों के आधार पर क्या करते हैं, क्योंकि कर्म भी त्रिगुणात्मक है, इंद्रिया भी त्रिगुणात्मक है, कारण रूपा जो त्रिगुणात्मक है, सत्व गुण रूपा जो बुद्धि में है, रजगुण रूपा जो मन में है, ये क्या करते हैं, ये अन्य इंद्रियों में जो है केवल रजगुणात्मक का इंद्रियों को प्रवृत्त कराते हैं, और वे इंद्रिया तमगुणात्मक का विषयों के साथ संबंध करके जड़भूत वस्तुओं के साथ व्यवहार करते हैं, इस प्रकार से त्रिगुणात्मक जो कार्यों को परस्पर गुण ही गुणम चलम वृत्तम है, आत्मा तो चल है नहीं, परिणामी है नहीं, अपरिणामी है, इसलिए अपरिणामी आत्मा तो कुछ नहीं कर सकता, परिणामी ये जो बुद्धि सत्व आदि है, चेतन प्रतिबिंब जो लेकर के उसे चेतनता प्रतिभाषित जो हो रहा है, आध्यासिकी चेतनता से विशिष्ट बुद्धि सत्व ही सारी प्रेरणा देती है।
इसलिए कहते देखो आत्मैव इंद्रियाणि प्रवर्तन कर्माणि करोति चेत् नैत्याह, नहीं नहीं गुण जो कौन सत्वादी वे गुणान मन इंद्रियाणि अनुसय प्रवर्तयति नतु आत्मा, अतः आत्म कर्तृत्वं तावद् नास्ति। कहते भोक्तृत्व मान लो, कहते नहीं जीवस्तु गुण संयुक्तो भुंते कर्म फलान्यसौ, असो जीव ये जो जीवात्मा है वास्तव में वो भी भोक्तृत्व उसके अंदर औपाधिक है। गुण संयुक्त मन इंद्रियों से संयुक्त होकर के ही शरीर इंद्रिय मनोयुक्त भोक्ता इत्या और महिनीषिणः है ना, श्रुति में आया तो वही बात कह रहे, शरीर इंद्रिय मनयुक्त होने पर ही भोक्तृत्व आया है, वास्तव में आत्मा में भोक्तृत्व नहीं है। कर्म फलानि भुंते यावत् स्याद् गुण वैषम्यम् तावन् नानात्मात्मनः, नानात्म आत्मनो यावत् पारतंत्र्यम् तदैव हि, यावदस्य स्वातंत्रत्वं तावदीश्वरतो भयम् एतत् समुपासीरन् ते मुह्यन्ति शुचार्पिताः। जब तक गुण के वैश्य बताए तब तक इस आत्मा में भी नानात्व भेद बुद्धि रहेगी, और जब तक आत्मा में नानात्व है तब तक पारतंत्रता रहेगी, और जब तक ये परतंत्रता है तब तक आप अपने से भी ईश्वर मानोगे, ईश्वर से भय भी होगा। यह तत्समुपासन चेतार्ष भेद आदि को उपासना करते हैं, अर्थात उनको अपने अंदर ग्रहण किए हुए बैठे रहते हैं, मैं हूं अलग ईश्वर अलग इत्यादि भेद बुद्धि का जो है धारण करने वाले जो लोग होते हैं ये शुचार पिता मुहंदी उपासन सेवेरन से तात्पर्य उपासना से नहीं, सेवेरन ऐसा ग्रहण करके अपने आप में अभिमान कर रहे हैं, तो वो जो लोग होते हैं वे निश्चित रूपेण शुचा अर्पिता संत प्रोता दुख से पीड़ित होकर के पोत प्रोत होकर के सदा मोह को प्राप्त करते हैं। काल आत्मा आगमो लोक स्वभावो धर्म एवच इति माम बहुधा प्राहुर गुण व्यति करे सती। लोग मेरे ऊपर सब डाल देते, कौन कर रहा है, सब भगवान, भगवान की कृपा से हो रही है, भगवान की कृपा से हम दुखी हैं, भगवान की कृपा से हम सुखी हैं, भगवान ने बिगाड़ दिया, भगवान ने बना दिया, सब चीज भगवान पर डाल देते है, सब कहा भगवान में नहीं, ये गुण व्यति करे मायामय है, माया के विकार को हम आत्मा में आरोप कर देते हैं, इसलिए काल करके बोल देते हैं मेरे को। लोग कहते हैं ये काल है, भगवान ही काल है, भगवान ही मौत बन गया या। लोग जब आदमी अपना आदमी मर जाए ना भगवान को सो गाली देते हैं, मेरे तो मौत बन के आ गया, मेरा पति को छीन लिया, हे भगवान तेरा ये हो जाए, भगवान को भी साफ दे देते हैं। भगवान भी कहते हैं वो तो उपासना के लिए विभूति आप यथार्थ रूप कर रहे हैं, वास्तव में न काल है न कुछ भी नहीं, तो उपासना के लिए पूरा विभूति पाद है, विभूति अध्याय है ये, वो सारी चीजें काम भी कह दिया धर्मावृद्ध कामोस सब वो सब उपासना के लिए अज्ञानी के लिए कहा जा रहा है। अभी ज्ञान की जब चर्चा हो रही है ना, आत्मा के स्वरूप की चर्चा हो रही है, यहाँ तो सबका निषेध होगा, ऐसा कहते हैं मेरे को लोग क्या बोलते हैं ये काल है बोलते हैं, कोई मेरे को कहता है आगम है, ये यही वेद है, भगवान ही वेद रूप में आकर के हम सबको बोलते हैं संध्या वंदन करो पूजा पाठ करो ये करो वो करो वो करो बोलते रहता है, ये मत करो वो मत करो बोलता है, ये सब भगवान का ही काम है, ये आगम भी यही है भगवान। कोई कहते लोक स्वभाव धर्म है वचिति माम बहुदा प्राहु, मेरे को बहुत प्रकार से लोग कथन करते हैं अपने अपनी रूप से, इसको तो वहां मांडव्य में कहा काल इति काल विदो सूप इति सूप विदो भी आया है ना, ये सब अलग अलग बोलते हैं अपने मन माने, ज्योतिर्थी ज्योतिर्विद इत्यादि बहुत सारे वहां विकल्प गिनते ही किया है, इसलिए वास्तव में जो है मायामय है उसको लोग लेकिन अनित्यता मात्र है, किंतु माया केवल अनित्य नहीं किंतु माया मात्र है, स्वभाव से तात्पर्य देवत्वादि परिणाम हेतु धर्म तद भोग कारण गुण व्यतिकरे माया क्षोभे सती मामिव प्राहो न तो मद व्यतिरिक्त संति, लेकिन मद व्यतिरिक्त मायामय ये चीज है वह वास्तविक नहीं है, ऐसा कोई ग्रहण नहीं कर पाता, बस उस पर ईश्वर पर ये सब बातें डाल देते हैं। तो उद्धव कहता है महाराज ठीक है, लेकिन गुणेश वर्तमानोपि देहेजेश्वराप अनपावृत गुणैर न बद्यते देही बद्यते वा कथम विभो, आपके कहे अनुसार अस्त का मतलब आत्मा के साथ गुणों को कोई संबंध ही ना, फिर जीव बंधन में कैसे आया, बद्ध कौन हो गया, मुक्त कौन हो गया है? और भक्त कौन होता है, अब अगले अध्याय के लिए भूमिका है बद्ध मुक्त भक्त तीन का लक्षण अगले अध्याय बताना है, बंधन कैसे हुई और क्यों इस जीव को बद्ध कहा जाता है,
और उस बंधन के निवृत्ति होने पर जीव ही वही जो बद्ध वही मुक्त हो जाता है। इस अंतराल अवस्था में न बद्ध है न मुक्त, बीच भक्त बन के रहता है। वो किस तरह से होता है साधना काल, वो सारी चीजों को वर्णन करने के लिए भूमिका उठा रहा है। गुणेश वर्तमानोपी देह जेशु अनपावृत, कहते गुणेशु देह जेशु, देह में होने वाले विभिन्न गुण व्यतिकरणों के कारण से ही हाँ विद्यमान रहने पर भी अनपावृत है, वो अपावृत होता ही नहीं आत्मा। गुणेर न बद्धते देह, इसलिए आत्मा गुणों से कभी बंधता ही नहीं है। अथवा खत्म बद्धते विभो, और फिर भी आप कहते नहीं बंधन है जीवन का, फिर बताइए आप किस प्रकार से बंधन में चला गया। खत्म वर्ते तिहरित कैरवा ज्ञायेत लक्षण ही किम भुंजी तो विसर्जेत चैतासित यातिवा, कि निवृत्ति ही यदि मुक्ति का हेतु है, यदि आप ये बात करना चाहते हैं, तब एक वेज आत्मा की अनुभूति होती, गुण कार्य देह संबंध कृत जो संसार है वो आत्मज्ञान से मुक्ति है। यह बात को सिद्ध करने कहते हैं कि भाई देखो ये कैसे सिद्ध होगा वो हमें बताइए। गुणेश असत्सु मुक्ति सत्सु एव आद्य ज्ञान साधना भावत न मुक्ति, असत्सु गुणेशु संबद्ध हो तो ज्ञान के साधन ही रह जाएगा, इसलिए मुक्ति नहीं हो पाएगी। यदि एक गुण वास्तव में हमेशा वास्तविक असत्यता है इसके अंदर है, इस जगत में पूर्ण रूपेण, तो फिर इस मिथ्याभूत साधनों को लेकर के अब आत्मा को कैसे जानोगे? असत साधनों से कहीं आत्मा को जान सकते हैं? सत्य को जान सकते हैं आप? नहीं जान सकते। आत्म मुक्ति हो ही नहीं, ये उसका तात्पर्य। गुणेश वर्तमानोपि देहजेशु अनपावृत, फिर इसका अपाकरण कर ही नहीं पाएंगे हम। गुणेर न बद्धते देही, इसलिए गुणों से बनता नहीं यदि देह कहते हो, तब भी फिर मोक्ष के लिए चर्चा क्यों? फिर जहां तो नित्य मुक्त है ना, तब भी साधन की जरूरत नहीं। यदि आत्मा सत्य है तो भी उसको जानने के लिए साधन की जरूरत नहीं, और गुण असत्य है इनसे आत्मा को जानी नहीं जा सकती, इसलिए भी साधन की जरूरत नहीं। दोनों तरीके से उपदेश पासा रज्जु बन रहा है यहाँ, साधन की अपेक्षा ही नहीं वास्तव में, और साधन बनती नहीं। किसको आप साधन करोगे? जिसको आप साधन कहोगे जगत के अंतर्गत है, वह असत्य है। और आत्मा स्वयं साधन नहीं होगा, स्वयं साध्य साधन नहीं हो सकता। अतः साधना भावादेव मुक्तिर अभाव करेगा, या तो नित्य मुक्त है या तो नित्य बद्ध है। बद्ध को कोई मुक्त नहीं कर सकेगा, अमुक्त को कोई बंधन नहीं हो सकता, इसलिए कहते देही गुणेर न बद्धते। नित्य मुक्त आत्मा है देही, वो तो कभी गुणों से बंध बंध में नहीं आता। अतः बंध मोक्ष की व्यवस्था ही निरर्थक है। लेकिन डर के मारे फिर आगे क्या कहते हैं, खत्म भाव बद्धते विभो। यदि आप कहते हैं बंध मुक्त अवस्था है, शास्त्र अनुसार सच है, फिर आप बता देंगे कैसे होगा। मेरे हिसाब से आपने जो बात अभी तक बताया है उसके अनुसार गुणों का आत्मा के साथ संबंध नहीं है। जो गुणों से संबद्ध यदि है भी, फिर उसको कोई वहां से हटा नहीं पाएगा, उन असत साधनों से कोई अलग नहीं कर सकता, कि असत साधन सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि असंबद्ध ही है फिर मोक्ष अवस्था किस बात की है? व्यर्थ ही है सारी चर्चा। इसे कहते हैं वैध मुक्त यदि है आत्मा सदा, फिर बताओ वो कैसे विहार करेगा? यही तो सत्सु एव तद अहंकार बद्ध थे। यदि मान लो एक गुण सत्य है और वह अहंकार के बंधन को प्राप्त किया, तन निवृत्त मुच्यते यदि मतम तरी तत् कथम क्या तब्य, फिर जानेंगे कैसे? पहचान क्या है, आप मुक्त हैं या नहीं है, या आप कैसे जानेंगे? अरे इसलिए कहा ना किम प्रभाषित किमासीत व्रजेत किम, वही यहां उठा रहा है। कथम वर्तेत विहरेत कैर्वा ज्ञायेत लक्षण ही, वह कैसे विहार करता होगा? आसीत के लिए वर्तेत विहरेत, व्रजेत के लिए विहरेत, कैर्वा ज्ञायेत लक्षण ही, सदेह का भाषा स्त प्रज्ञस्य का भाषा, उसके लिए कहते कथ ज्ञायेत कथम कई लक्षण ही किम भुंजित तो विसृजेत। और आगे थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रहा है वहां के श्लोक से, थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ा करके बोल रहा है यहां उद्धव,
किम भुंजीत विसृजेत, और क्या खाएगा पिएगा, क्या वो शौचादि करेगा त्यागेगा। भाई भी वैसे भी त्याग, किस चीज को त्यागेगा वो, किम विसृजेत। शीत आसित या तिवा किम, वह कहां सोएगा, कैसे सोएगा, क्या क्यों सोएगा वो, कैसे बैठेगा, क्यों बैठेगा, जाएगा तो क्यों, आएगा क्यों, आने जाने वाला कैसे हो सकता है वो। एतद्दच्युत मे ब्रूहि प्रश्न प्रश्न विदां वर, नित्य मुक्तो नित्य बद्ध एक एवेति मे भ्रम। जब नित्य बुद्ध है या नित्य बद्ध है, वो एक ही आत्मा है ना। जब एक ही आत्मा है वो या तो नित्य बुद्ध होगा या तो नित्य मुक्त होगा, दो में एक होनी चाहिए। नित्य बद्ध दे है तो उसकी मुक्ति हो नहीं सकती, नित्य मुक्त है तो बंधन था ही नहीं, तो साधन किस बात के लिए। ऐसा मेरे में भ्रम हो रहा है इस समय, इसलिए आप जो है मेरे इन प्रश्नों एतत् प्रश्नम में ब्रूहि अच्युत प्रश्न विदांवरा।